कार इस पार्सल को अनबॉक्स कर लेते हैं। मैंने चेक भी नहीं किया किन की तरफ से मिला है, शायद ये संजय गुप्ता जी की तरफ से। हाँ, और इस पर डिस्क्लेमर भी होता है कि उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, उसका ये मतलब ये है कि आप इसको प्रॉपरली अनबॉक्स करें, कोई डैमेज वगैरह हो आपको कुछ उसमें इशू हो तो आप बता सकते हैं। तो कर लेते हैं इसको अनबॉक्स, देख लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स में मिले। पिछली बार जो मैंने अनबॉक्सिंग करी थी उसमें पैकेजिंग कॉमिक्स वाला जो पार्सल था सुपर कमांडर ध्रुव के डाइजेस्ट वाला, वो प्रोडक्ट्स भी यहीं रखे टेबल पर दिखाऊंगा अभी आपको, तो वो इतना आपको तो मार्क नहीं लगा था। आई होप कि इसमें जो भी प्रोडक्ट्स हों वो अच्छे से आए हों। ये ऐसी पैकेजिंग में फर्स्ट टाइम मैं संजय गुप्ता जी प्रोडक्ट देखा, अदरवाइज उनके ना मोटे वो गत्ते वाले जो होते हैं कार्टून टाइप के उसमें आते हैं, तो ये बटर पेपर की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बाहर के धूल मिट्टी वाले पार्सल से हमारे इन पोस्टर्स को बचाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इसको मैं ऐसे रख दूँगा, ये कुछ नोवल्टीज़ वगैरह हैं। चलिए अच्छी बात है, इसमें शायद एक कॉमिक्स है और वो कॉमिक्स हमको गत्ते में अच्छे से पैक नहीं, ये फर्स्ट टाइम अच्छा अनुभव मुझे अच्छा लगा मुझे। चलिए करते हैं इसको, सबसे पहले कॉमिक्स को देखा जाएगा। कॉमिक्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी अनबॉक्सिंग का, क्योंकि कॉमिक्स की वजह से ही ये कौन सी, अच्छा मुझे लगा सुपर कमांडर ध्रुव का डाइजेस्ट समझ रहा था मैं, ये कुछ और निकला है, कुछ कम है क्या। चलिए देखते हैं क्या हुआ है इसमें, क्या ओह ये कॉमिक्स परकालों की धरती, परकालों की, अच्छा ठीक है। तो अभी मैंने एक जीके कार्ड से बड़ी सी अनबॉक्सिंग करी थी और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स थे आखिरी सीरीज वाले, वो मैं आपको बता देता हूँ। आखिरी सीरीज की कुछ कॉमिक्स थी तो जीके कार्ड की साइड पे शायद ये नहीं अवेलेबल थी, पता नहीं क्या बात थी। तो ये हो गई पूरी, अच्छा ये पार्सल साथ साथ में मिले हैं, कैसा संयोग बना के एक पार्सल लेट हो गया। और एक और है इसके अंदर कॉमिक्स, वो मेरे साथ ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो इस बीच 8 कॉमिक्स हैं, 7 हो गई है। ठीक है, इनकी अनबॉक्सिंग वगैरह तो पहले मैं कर चुका हूँ, फिर भी मैं इनकी करूँगा अलग से अनबॉक्सिंग, हालाँकि ये अलग अलग सेलर्स की तरफ से होगी। चलिए इस पर देखते हैं क्या नोवल्टीज़ वगैरह हैं, क्या बाकी रहा था यार, ये क्या बाकी रहा है ऐसा। मुझे लगा कि इसमें सुपर कॉन ध्रुव का डाइजेस्ट आएगा हिंदी वाला, कौन सी नोवल्टीज़ बाकी रह गई थी, MDF तो कर दिए सारे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ प्रोडक्ट मिस तो नहीं हो गया, दब तो रही है कुछ गड़बड़। चलिए करेंगे चेक, मुझे लग रहा है इसमें शायद ध्रुव वाला वो था, कोई तो मिनिमम लिमिट वगैरह थी क्या था, क्या चक्कर था, ये कुछ गड़बड़ हुई है इसमें लग रहा है। ये तो ना बबल टाइप सस्पेंस को बढ़ा रही है बहुत ज़्यादा। ओहो ठीक है, मतलब इनका कुछ 1200 का लिमिट था शायद, वो पूरी होती है इनसे तो शायद ये अलग ही ऑर्डर होगा, देख लेंगे, तो शायद इसलिए कम शायद की होगी। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कटर को साइड में देते हैं। ये हैं कुछ नोवल्टीज़, तो ये हैं इस पर लिखा हुआ 500 रुपये, अरे बाप रे 10 पीस इसमें है, और देख लेते हैं। एक ग्लिटरी अपीयरेंस वाले कीचेन है, ग्लिटरी अच्छे लगते हैं काफ़ी, परमाणु का क्यूट एक कीचेन है, नागराज का क्यूट है, सारे क्यूट ही निकालते हैं संजय गुप्ता जी। 2-3 ये भोकाल का कुछ है, 4 शक्ति का मुझे पसंद आया, बहुत अच्छा पसंद आया। ये देखा हुआ ये ध्रुव का है, पहले ऐसा निकल चुका है स्टैंडी, लेकिन वो सिंपल था स्टैंडी, किचन के फॉर्म में निकाला है इसको, ये सारे दिखे हैं मेरे। तो ये पहले के जो स्टैंडीज़ वगैरह आए हुए थे कॉमिक्स के साथ में, उन्हीं को किचन के फॉर्म में निकाला, लेकिन ये डोगा क्यूट वाला जो था ना, ये पहले ग्लिटर में नहीं आया था, ये मुझे पक्का आया था, ये सारे ग्लिटर में ही थे, तो किचन अच्छे लगे मुझे। ये 10 होंगे, 5 मेरे हाथ में हैं और 5 यहाँ होंगे, कैसे रख देते हैं फैला करके। चलिए इसमें तो कोई इशू है नहीं, ये बढ़िया क्वालिटी में आ गए हैं किचन।
तो शायद इसमें 1200 लिमिट हो गई हो ना, 500 रुपये हो गया होगा, ये कुछ कॉमिक्स हो गई होगी। फ्री नॉवल्टीज़ हमें सब में सेम मिल रही हैं, बाकी लाल मिल रहा है, एक ध्रुव मिल रहा है, ऐसा वो किस प्रकार से कर पाते हैं। खैर ये हो गया, चलिए डन। ये हमें मैगनेट स्टिकर, शायद पिछली बार ये आउट ऑफ स्टॉक थे, इनमें से कुछ मैगनेट स्टिकर जीके काटे थे उसमें मिले हुए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये हैं 10 होंगे शायद परमाणु। अच्छी आर्ट है, एंथनी 2, ध्रुव 3, ये एक मल्टी स्टार का था शायद, मेरे पास ये नहीं था सेट उस समय जब सेल वगैरह लगी थी तो वो अनअवेलेबल था, भूल जाता हूँ। 3 ये हो गए, 4, 5 इंस्पेक्टर स्टील, 6 भोकाल, इनमें से एक मेरे पास था भोकाल कुछ था, शक्ति भेड़िया, ओहो इसके तो काफ़ी पोस्टर 3 बॉक्स वगैरह आए हुए हैं, एक 3 बॉक्स वहीं पड़ा है। डोगा डायरीज वाला डोगा ये कौन सा है, नागराज है, ये मल्टी स्टार वाले में इंक्लूड नागराज है, नागराज ध्रुव के अलग से निकले थे। रबर सीट वाले मैगनेट स्टिकर ना काफ़ी अच्छे लगते मुझे ये, 10 हो गए होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बहुत बढ़िया यार ये ना, ये ऑर्डर वगैरह में दिक्कत ना हो तो बस इनमें चेक करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से ये 10 ये हैं और ये 10 ये हैं, ठीक है। और ये एक कॉमिक्स है, तो कॉमिक्स की भी अनबॉक्सिंग कर ले, इसको नॉवल्टी तक किसी में रखें, नॉवल्टीज़ तक किसी में रखते हैं, कॉमिक्स वाले को मैं एक अलग ही एक वीडियो बनाता हूँ आखिरी का, ऐसे ही एक अनबॉक्सिंग टाइप का हो जाएगा।